नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू नो हाउ। हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ और ये है पार्ट 7। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट पहले आप उन्हें जाके देखें, उससे आप बेहतर कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। ग्रहों के निर्माण को लेके इमैनुअल कांत और लाप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस और टीसी चैम्बरलिन एंड रे मॉल्टन की प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस हम पढ़ चुके हैं। टुडे वील स्टडी अबाउट टाइडल हाइपोथेसिस बाय जीन्स एंड जेफरीज। जेम्स जीन्स ने इसे प्रोपाउंड किया, वेयर एज हैरल्ड जेफरीज ने इसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ सुधार किए। टाइडल कॉन्सेप्ट एक वेरिएशन है प्लैनेटेसिमल कॉन्सेप्ट का। इसमें भी एक प्रोटोसन है और एक इंट्रूडिंग स्टार जो यूनिवर्स में घूम रहा है और घूमते घूमते प्रोटोसन के करीब से गुजरता है। नाउ हेयर इज़ द मेन डिफरेंस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी प्लैनेटेसिमल्स निकलते हैं, वेयर एज टाइडल हाइपोथेसिस कहता है कि नहीं, इनफाइनाइट पार्टिकल्स नहीं, एक लॉन्ग ह्यूज शिगार शेप का फिलामेंट बाहर आता है प्रोटोसन से और फिर रिवॉल्व करने लगता है प्रोटोसन के अराउंड। और फिर जैसे जैसे टाइम निकलता गया, ये बहुत सालों बाद ये फिलामेंट डिवाइड होते गए, इसमें कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता गया और प्लैनेट्स बनते गए। ये हाइपोथेसिस बहुत पॉपुलर हुई, इसे बहुत एप्रिसिएशन मिली क्योंकि ये काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करती है प्लैनेट्स की साइज़ को। देखिए, ये होती है सिगार शेप, दोनों एंड से एकदम थिन और सेंटर में थिक। इसी तरीके की ही कुछ शेप और साइज़ है प्लैनेट्स की। स्टार्टिंग में प्लैनेट की साइज़ इंक्रीज़ होती है और फिर बाद में डिक्रीज़ होती है। मार्स इसमें एक एक्सेप्शन है, इसकी साइज़ अर्थ से छोटी है। फिर दूसरा एक और रीज़न इस हाइपोथेसिस का वाइडली एक्सेप्टेड होने का, कि ये उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स का नंबर और साइज़ को भी एक्सप्लेन करती है। सेंटर में जो ग्रह है उनके पास सबसे ज़्यादा और बड़े उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, जैसे प्रोटोसन से प्लैनेट्स निकले, सेम उसी कॉन्सेप्ट से प्लैनेट्स जब सन के करीब आए और रिवॉल्व करने लगे तो सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सैटेलाइट्स बने और ये सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करने लग गए। अब देखिए, ये हाइपोथेसिस प्लैनेट्स की साइज़ को कितने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। इंट्रूडिंग स्टार जब थोड़ा दूर था तो कंपैरेटिवली वो कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाएगा प्रोटोसन पे, तो छोटे प्लैनेट्स, छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वही बाहर आ पाएंगे। फिर जब वो प्रोटोसन के और करीब आएगा तो उसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसमें से बड़े पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। और फिर जब वो वापस दूर जाने लगेगा प्रोटोसन से, तो वापस उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा और छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। तो जिन्हें मैं पार्टिकल्स बोल रही हूँ ये हैं प्लैनेट्स। तो स्टार्टिंग में मर्क्यूरी, वीनस, ये छोटे प्लैनेट्स आए। फिर जब वो और करीब आया कंपेनियन स्टार, जब प्रोटोसन के और करीब आया, तब निकले जुपिटर, सैटर्न, बीच में जो ये प्लैनेट्स हैं जो ह्यूज हैं साइज़ में। और फिर जब वो वापस दूर जाने लगा, तब लास्ट में देखिए प्लूटो। प्लूटो अभी तो प्लैनेट नहीं है, बट 2006 तक उसे भी प्लैनेट ही मानते थे। तो प्लैनेट्स की साइज़ को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर पाने की वजह से इस हाइपोथेसिस को काफ़ी सराहना मिली। अब बारी आती है डीमेरिट्स की। ये हाइपोथेसिस भी उन पुराने क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाई कि प्रोटोसन, इंट्रूडिंग स्टार कहाँ से आए। इनफाइनाइट यूनिवर्स में ऐसे इतना क्लोज एनकाउंटर होना स्टार्स का ना के बराबर पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, स्टार्स तो पास पास ही दिखते हैं हमें। ये इसलिए क्योंकि हम एक ह्यूज डिस्टेंस से इन्हें देख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं। इसके अलावा ये हाइपोथेसिस प्लैनेट्स के बीच जो इतना डिस्टेंस है उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कि ठीक है आपने कहा एक सिगार शेप का फिलामेंट आया और उसी से ही प्लैनेट्स बने, तो ये इतने ज़्यादा दूर दूर क्यों होते गए एक दूसरे से भी और सन से भी। इनकी हाइपोथेसिस के हिसाब से तो बहुत पास होने चाहिए थे ये सन के, बट रियलिटी में ये सन से सारे प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा दूर हैं। और फिर देखो, जो फिलामेंट ये क्लेम करते हैं कि प्रोटोसन से निकला, उसके कंडेंसेशन का मैकेनिज्म कि कैसे गैशियस स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में और फिर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। फिर एक और चीज़ समझो, जितनी भी थियोरीज थी, चाहे नेबुलर हाइपोथेसिस हो या प्लैनेटेसिमल या फिर इवन टाइडल, इन सब ने कहा कि सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स सन का पार्ट थे कभी ना कभी और उसी से ही निकले हैं।
बट इनमें से कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो सन से बने हैं, तो उनका कॉम्पोजिशन तो सेम होना चाहिए ना। इसे ऐसे समझो, आपके पास एक पजल का पीस है। अब ये अगर फिट होगा इसमें, तभी तो आप मानेंगे कि ये इसका पार्ट है। अगर ये फिट ही नहीं होगा, तो कोई ज़बरदस्ती कितना भी बोल ले कि ये इसी का पार्ट है, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को मानना। इसी तरीके से ये थियोरीज भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि प्लैनेट्स और सन, इनका कॉम्पोजिशन अलग कैसे है। ये लगते तो नहीं है कि ये सन का पार्ट रहे होंगे कभी। अब एंट्री होती है जेफ्रीज की 1929 में। ये डेट आपको दूसरे बुक में अलग अलग मिलेगी, क्योंकि कोई फिक्स डेट नहीं है, एक टाइम पीरियड था। तो इस टाइम में इन्होंने बहुत ही स्मार्टली ये समझा कि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सवाल क्या है, यही कि प्लैनेट सन का पार्ट कैसे हैं। इसका जस्टिफिकेशन कोई नहीं दे पाया अभी तक, तो इन्होंने क्लेवरली सवाल को ही ख़त्म कर दिया कि सवाल ही नहीं रहेगा तो जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि बने ही नहीं है ये प्लैनेट सन से, सन तो अलग ही है। इस कंपेनियन स्टार के पास एक इंट्रूडिंग स्टार आया और ये आके कंपेनियन स्टार से टकराया और इसके पार्ट्स बिखर गए, और वहीं पर था सन। तो सन के पास जो पार्ट्स आए वो उसके अराउंड रिवॉल्व करने लगे, और धीरे 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 उनमें कूलिंग, कंडेंसेशन सब हुआ और वो प्लैनेट्स बन गए। बट जेफ्रीज भी ये नहीं बता पाए कि कैसे वो इंट्रूडिंग स्टार आके कंपेनियन स्टार से टकरा गया, और इनके कलिजन से इंट्रूडिंग स्टार के तो प्लैनेट्स बन गए बट कंपेनियन स्टार कहाँ गया। तो ये थी जेम्स एंड जेफ्री की टाइडल हाइपोथेसिस। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड शाउट टू द फैमिली ऑफ नो हाउ।